प्रेस द लॉर्ड, आज का क्वेश्चन है, क्या परमेश्वर आज भी हमसे बातें करता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर विश्वासियों में ये क्वेश्चन बना रहता है कि परमेश्वर जिस तरह से पहले बातें किया करते थे, या आज भी उसी तरह से बातें करते हैं। तो बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विवरण हैं जिसमें परमेश्वर लोगों से खुलेआम और ऊंची आवाज में बात किया करते थे। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, निर्गमन अध्याय 3:14 लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यहोशू अध्याय 1:1 में यह लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। तो यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने और सटीक बात हो रही है, जैसे कि कोई व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातें किया करता है। और न्यायियों की पुस्तक अध्याय 6:18 में लिखा है, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। परमेश्वर से उसने कहा कि मैं जाता हूँ और मैं आता हूँ जल्द ही, मैं कुछ भेंट लेने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा, तू जा, मैं यहाँ ठहरा रहूंगा। और पहला शमूएल अध्याय 3:11 में लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। जब भी कोई परमेश्वर बड़ा काम करने को होता है, तो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि पहले ही परमेश्वर बता दिया करते थे अपने नबियों को कि मैं कौन सा काम करने जा रहा हूँ। यशायाह अध्याय 7:3 में लिखा, तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शारयाशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क के ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे से आहाज से भेंट करने के लिए जा। तो परमेश्वर कमांड भी किया करते थे कि तुमको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। और ऐसा ही हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 8:26 में भी पढ़ते हैं, जहाँ पर यह लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर से उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से बातें किया करते थे। यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बाइबल में मिलते हैं जहाँ पर परमेश्वर की ऊंची आवाज में बात करने की पुष्टि होती है। लेकिन अब इस समय क्यों नहीं परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, इसका कोई ठोस रीजन बाइबल में नहीं दिया गया है। अगर कोई कहता है कि इसका यह रीजन है कि आज के समय में परमेश्वर बातें नहीं कर रहा है, और हमें याद रखना चाहिए कि मनुष्य के इतिहास के 4000 सालों से भी ज्यादा समय में ये घटनाएं घटित हुई हैं। परमेश्वर ऊंची आवाज में विकल्प के रूप में ही बात करता है, ना कि किसी नियम में होकर, कि ऐसा नियम है इसके द्वारा परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर विकल्प का चयन करता है हमसे बातें करने के लिए। और बाइबल में जितना भी विवरण दिया गया है, उनमें यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह आवाज ऊंची थी, या फिर यह आंतरिक आवाज थी, या फिर यह मानसिक प्रभाव था, या किस तरह की आवाज थी, यह प्रकट नहीं है। पर यह लिखा है कि परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर आज भी हम लोगों से बातें करता है। पहले परमेश्वर वचनों के माध्यम से बात करता है, जैसा कि 2 तिमुथियस अध्याय 3:16-17 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और यशायाह अध्याय 55:11 हमें यह बताता है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे बातें करता है आज के समय में, और परमेश्वर का वचन पूरा होता है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, और इसमें मसीही जीवन जीने के लिए सारे तौर तरीके दिए गए हैं, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, सब कुछ उसका वचन यहाँ पर दिया गया है। और 2 पत्रस अध्याय 1:3 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी को पहचान के द्वारा दिया है,
जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि परमेश्वर घटनाओं के द्वारा भी हमसे बातें करता है। कोई घटना अगर घटित होती है उसका भी वो माध्यम बनाता है हमसे बात करने के लिए। वह उन घटनाओं को हमारी परिस्थितियों में शामिल कर देता है और उन परिस्थितियों के माध्यम से हम सीखते हैं। तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, इसका मतलब वो हमसे बात कर रहा है हमारी घटनाओं और हमारी परिस्थितियों का इस्तेमाल करके। और जब हम कुछ सोचते हैं सही या गलत, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि क्या सही क्या गलत है। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर आपको सही ज्ञान देगा कि आपके लिए सही क्या होगा। तो जो आपको पता लग रहा है कि ये चीज सही है, तो परमेश्वर आपको गाइड कर रहा है, वो आपसे बातें कर रहा है। और पहला तिमथियस अध्याय 1:5 में हम पढ़ते हैं, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। और पहला पत्रस अध्याय 3:16 में यह लिखा है, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हो लज्जित हो। तो हमें अपने विवेक को शुद्ध रखना है, और परमेश्वर बहुत सारी चीजें करता है ताकि हमारा विवेक शुद्ध रहे। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे साथ कुछ अनहोनी होती है या कोई घटना होता है, तो परमेश्वर हमें सिखाता है ताकि हम अपना विवेक शुद्ध रखें। और परमेश्वर हमारे मन को अपने मन के अनुसार बनाने की प्रक्रिया में लगा रहता है, और वो चाहता है कि हम उसके मन के अनुसार बन जाएं। और बाइबल में हम पढ़ते भी हैं, रोमियो अध्याय 12:2 में क्या लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम संसार के सदृश ना बने, उसका मन है कि हम आत्मा के अनुसार चलें, भाई संसार से दूर रखना चाहता है, उसका मन है। तो परमेश्वर अपने मन के अनुसार हमें बनाना चाहता है। तो इसका मतलब है यह हुआ कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आज भी बात कर रहा है। और याकूब अध्याय 1:2-5 में हम क्या पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। और परमेश्वर यह चाहता है कि तुम में किसी भी प्रकार की घटी ना हो, परमेश्वर आपको पूर्ण देखना चाहता है। इब्रानियों अध्याय 12:5-11 में हम पढ़ते हैं, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, पुत्रों के समान भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सहलो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं। इसीलिए ताड़ना हमारे लिए जरूरी है, पर व्यभिचार की संतान ठहरोगे अगर ताड़ना नहीं हुई तो। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? जब हम अपने पिता की सह लेते हैं तो हम अपने परमेश्वर की क्यों नहीं सह सकते हैं? ये बात यहाँ पर वचन कहता है। तो ये ताड़ना होती क्यों है? ताकि परमेश्वर आपको अपने अनुरूप बना ले। तो हो सकता है कि परमेश्वर कई बार ऊंची आवाज में लोगों से बात करे, लेकिन ये बहुत ही संदेह भरा रहता है कि ऊंची आवाज में बात करता है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर घटनाएं होती हैं ऊंची आवाज में बात करना, जैसे कि मैं इस वक्त आपके सामने बातें कर रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना कि परमेश्वर का ऊंची आवाज में बोलना विकल्प के तौर पर दिया गया है, ना कि किसी प्रकार का नियम के अनुसार कि ऐसा ऐसा होता है। साधारण बात नहीं थी, ये बहुत ही अद्भुत बात थी बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो।
ओके, तो यदि कोई दावा करता है कि परमेश्वर ने उससे बात की है या जो कुछ भी उससे कहा जाए, तो वो सब बाइबल में मिलाओ। इसलिए अगर परमेश्वर आज हमसे बातें करता है तो उसका जो कुछ भी वचन कहा गया होगा तो वो बाइबल में जरूर मैच कर रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने विरोध में बातें नहीं करता है। अगर आपका वो कथन बाइबल में नहीं मिल रहा है तो वो परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने विरोध में बात नहीं करता। तो आपको कई बार परमेश्वर ने बात की होगी, तो हमेशा बाइबल में मैच करो, हमेशा आपको बाइबल में मिलेगा। तो मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा कि हाँ, परमेश्वर आज भी हमसे बातें करता है, लेकिन सबसे पहले वो बाइबल का उपयोग करता है हमसे बात करने के लिए। इसीलिए अपनी बाइबल को उठाओ और रोजाना पढ़ना चाहिए। प्रभु आपके साथ हो। मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ।